नमस्कार माधव टेलीविजन रे न्यूज टाइम को आपण मानको स्वागत करूची मु मृणमयी। खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर। फाइलेरिया निराकरण पाए राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग रो स्वतंत्र अभियान आसंता 10 रो 19 तारीख पर्यंत बालेश्वर जिले रे समस्त करिवे औषध सेवन। गरीब असहायों पाई दि न्यू होप पक्षर बालेश्वर सहर रे खोलिला द्वितीय मागणा वस्त्र भंडार। संगठन एतादृश कार्य को अतिथि भूयसी प्रशंसा। पात्रपड़ा पंचायत रे सरपंच प्रार्थिनी अंजना दास जमुची प्रचार। निर्वाचन जी पाखे आसुची से बढ़ुची समर्थन। पालित है विश्व प्रसिद्ध टीकाकार जगद्गुरु पंडित श्रीधर स्वामी जयंती समारोह। श्रीधर स्वामी रचित उपादेय आध्यात्मिक शास्त्र प्रचार प्रसार दिगरे सबु महलर प्रयास। वर्तमान संपूर्ण खबर। राज्य में लिम्फाटिक फाइलेरिया निराकरण पाई ओडिशा सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर आसंता 10 तारीख रु 19 तारीख पर्यंत सामूहिक औषध सेवन कार्यक्रम आयोजन पाई निष्पत्ति निया जाय छि। एही परिप्रेक्षी रे जिला स्वास्थ्य विभाग पक्षर एक गणमाध्यम कर्मशाला मंगलवार अनुष्ठित हो जाय छि। लिम्फाटिक फाइलेरिया रोगर भयावहता संपर्क में आलोचना सह जनसाधारण मध्य प्रचार प्रसार सुनिश्चित करिबा एही कर्मशाला रो लक्ष्य बोली जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूचना देथिले। आसंता 2030 मसीहा सुधा फाइलेरिया निराकरण करने को भारतर प्रतिबद्धता को मन मध्य रखी लिम्फाटिक फाइलेरियासिस मूलोत्पाटन कार्यक्रम अधीन ओडिशा सरकार प्रत्येक जिले में फेब्रुआरी 10 रु एमडीए पर्यायगुड़िक कार्यकारी करने को जाउछंती से कहते। महामारी कोरोना संक्रमण रोकवाई सुरक्षामूलक सतर्कता जथा हाथ धोइबा मास्क परिधान और शारीरिक दूरता बजाय रखा आदि अनुपालन कराजिबा उपरे एही गणमाध्यम कर्मशाला रे अधिकारी माने सूचना देथिले। एने जिले रे समस्त योग्य हिताधिकारी 2 वर्षर कम बयसर शिशु गर्भवती महिला और गुरुतर असुस्थ थिबा लोकंक व्यतीत अन्य समस्त वर्गर लोकंक आशा अंगनवाड़ी कर्मी एवं तालीम प्राप्त स्वेच्छासेवी उपस्थित रे लोकमाने फाइलेरिया निरोधी औषध सेवन करिवे बोली जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रकाश करथिले। एही कार्यक्रम अधीन गोष्ठी अंशग्रहण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। फाइलेरिया निराकरण दिगरे प्रतिबद्धता सहित लोक प्रतिनिधि सरकारी अधिकारी स्वास्थ्यकर्मी एवं जनसमुदाय जेभली फाइलेरिया निराकरण कार्यक्रम को एक जन आंदोलन में परिणत करिबे ताहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। फाइलेरिया एक अक्षमता सृष्टिकारी रोग जहाँ को तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी द्वारा प्रदान कराउथिबा फाइलेरिया निरोधी औषध सेवन द्वारा रोकाजाई पारिब। फाइलेरिया निरोधी औषध सेवन परवर्ती समय रे साधारणतः प्रकाश पाउथिबा सामान्य पार्श्व प्रतिक्रिया संपर्क रे मध्य से उल्लेख करथिले। से कहिथिले जे देह कुंडाई हेबा बांति लागिबा भली लक्षण प्रकाश पाई पारे तबे एही सामान्य पार्श्व प्रतिक्रिया कारणरु फाइलेरिया निरोधी औषध सेवनरु विरत रहिबा अनुचित बोली जिला स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कुहा जायछि। तबे एही अभियान को सफल करिबा पई सबु महलर सहयोग करिबा निमन्ते स्वास्थ्य विभाग अधिकारी माने निवेदन करिछन्ती। हमर जातीय फाइलेरिया निराकरण प्रोग्राम रे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बा सामूहिक औषध सेवन कार्यक्रम बालेश्वर होउछि ता संगरे एनडीडीबी पालन करा जाउछि। एहा 10 तारीख रु फेब्रुआरी 10 तारीख रु 19 तारीख पर्यंत पालन करा जाउछि। एथिरे सामूहिक भावरे लोकंकु 2 रु वृद्ध समस्त वयसर पिला एवं आबाल वृद्ध बनिता समस्तंकु डीसी एवं आलबेंडाजल दै एका सहित चिकित्सा करा जाउछि जहाँ फलरे फाइलेरिया बा बात ज्वर जोटा आमे कहउछु ताकु आम जिल्लार निराकरण करि परिवार व्यवस्था करिछु। एथिरे आमर 9249 बा 9249 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा 250 सुपरभाइजर्स अच्छा ता सहित आमर 84 आरआरटी अच्छी जो मैंने कौन सी पार्श्व प्रतिक्रिया हेले असुविधा हेले ताको एड्रेस करी परिवे। अलमोस्ट फुल प्रूफ प्रोग्राम नहीं आम आसीचु एथिरे ए कार्यक्रम रे ये औषध सेवन रे कौन सी पार्श्व प्रतिक्रिया प्राय हुए नहीं जहाँ हुए
अल्प बहुत हम अल्प घंटा भितर आसब अल्प घंटा भितर सरीज से पलिजी तेणु आम आद आतंकित तो नह ये औषध सेवन करवा अत्यंत आवश्यक अच्छी यदि कौन सी प्रकार भी असुविधा हुए ताको आमर आर आर टी जो मैंने अच्छा से आड्रेस कर प्रकृत कथा हूँ ये एज ग्रुप बयसर ये रोच दुई रु ऊर्ध दुई वर्ष ऊर्ध समस्ते ये औषध सेवन करेंगे एवं तार मात्रा अच्छी विभिन्न मात्रा अच्छी दुई रु पांच वर्ष पिला गोटे डीसी टैबलेट ने छु चौद वर्ष पर्यंत दुईटा पंद्रह वर्ष रु ऊर्ध समस्ते तीन टा डीसी टैबलेट किंतु आलबेंडाजोल से 400 मिलीग्राम समस्ते ने। बालेश्वर रो अन्यतम स्वेच्छासेवी संगठन दि न्यू होप पक्षर गरीब तथा असहाय उद्देश्य सहर द्वितीय पुराणा वस्त्र भंडार मंगलवार स्थापन करा स्थानीय गांधी स्मृति भवन सम्मुखरे एही वस्त्र भंडार को डाक्टर अमिताभ गिरी उद्घाटन करिबा सहित उपस्थित गरीब लोकंकु वस्त्र बंटन शुभारंभ करिथिले। एहा एक स्वागत योग्य पदक्षेप होइतबा बेले एहा द्वारा वस्त्र आवश्यक करुथिबा बहु गरीब लोक उपकृत होइ परिबे बोली से कहिथिले। अनुष्ठान रो एही बोली कार्य को डाक्टर गिरी भूयसी प्रशंसा करिथिले जे सेमाने एमती गोटे अर्गनाइजेसन करछन्ति एवं एथरे लोक मान गरीब लोक मानते गोटे फ्री शॉप खोलिछन्ति मते बहुत खुशी लगेगा जो गोटे अभिनव प्रयास चेष्टा कराई जे सब गरीब लोक जो मैंने लुगा पाऊना लुगार बंदोबस्त करम घर समस्त पाखे बहुत ना बहुत किसी ना कि पुराणा लुगा पड़ रोचे जोटा कि आम यूज करूँ कि पुराणा मान नुहे छेड़ाफटा लुग जहाँ को आम दे पारू कि लोक भी नहीं पारना तो ये जो दबापाई एवं ये जो अभिनव उपाय जे गोटे दुकान भाया खोला लोक आस निज इच्छा बाछिकी नहीं पारे ये गोटे बहुत मानने गर्वर कथा एवं तांको बहुत साधुवाद जनईबी समस्त अर्गानाइजेसन समस्त कर्मकर्ता मान शुणी तक आउ गोटे भी सेमती अच्छी गड़गड़िया पाखे एवं गोटे फुड फ्री फुड रोटे जगह कर लोक मैंने जा इच्छा मुताबक खाइबा नहीं पारे गरीब लोक मैंने जो खाया पा ना बहुत सुंदर प्रयास से समस्त को साधुवाद जनईबि एवं ये जिनसटा समस्त जनवा दरकार जो जो लोक मैंने निडी से आसी तार ये तार बेनिफिट नहीं पारे मुझे यही अर्गानाइजेसन न्यू होप अर्गानाइजेसन सब बहुत साधुवाद जनाऊँगी भवन पास प्रार्थना कर उत्तर उन्नति कामना कर व्यवहार उपयोगी पुराणा लुगा को भंडार में रखिपारे और वस्त्र आवश्यक करुवा व्यक्ति यही भंडार निजर आवश्यक मुताबक लुगा नहीं पारे एथिरे साड़ी प्यांट सार्ट चदर कंबल जोता ब्याग आदि व्यवहार उपयोगी सामग्री रखिपारे या पूर्वर संगठन पक्षर एक वस्त्र भंडार और एक खाद्य भंडार स्थानीय गड़गड़िया छक स्थापित हो लोक सेवा जगै आसुची आगामी दिन में यह संगठन अन्यान्य बहु लोकाभिमुखी कार्य करने को योजना रखी बोली कर्मकर्ता माने सूचना देखते देखो विगत पांच छः वर्ष है बालेश्वर रे दि न्यू होप सामाजिक संगठन हिसाब से समाज में बहुत गुड़ाक दायित्व नहीं आम गरीब दुखी लोकों पर बहुत कम कर गांधी स्मृति भवन पाखे आमर द्वितीय पुराणा लुगा भंडार स्थापित कराला या पूर्वर आम बर्षे पूर्व गड़गड़िया छकटा यही पुराणा लुगा भंडार गोटे स्थापन करूँ यह छड़ा आम फ्री फूड कम्युनिटी फ्रिज हिसाब से गोटे खाद्य भंडार भी आम गड़गड़िया छक निकट करमर न्यू होप ग्रुप समस्त सदस्य मान प्रचेषार निजर पकेट मनी रे आम समाजपी गरीब दुखी लोकों पर अनेक गुड़ाक आमर कर्तव्य आमर दायित्व हिसाब से आम समाजपी बहुत गुड़ाक कम करुचु आग को ये कम आम जारी भी रही बालेश्वर बासी को मु अनुरोध करी आमर घरे जो पुराणा लुगा पुराणा जोता पुराणा बैग अजथा आम यूज करूना कि घर से रही जगह माड़ू से जिनस आम आईया सप्रे आखिले गरीब दुखी लोक ताको फ्री रे नहीं पारे एटारे आमर गोटे बहुत भल स्लोगान दिखाई जी दरकार से नियंतु जी बड़ा से दिंतु एतिक ही आमर स्लोगान रलेश्वरवासी मानने साहय आम आशे रही
ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ତପନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦି ନ୍ୟୁ ହୋପ୍ର ସଭାପତି ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା, ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅଜିତ ପତି, ରାଜେଶ ଶର୍ମା, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ରଣା, ସାଗରିକା ମହାନ୍ତି, ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରବୀର ଦାସ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପତି, ବିଜୟ ଜେନା, ମୁକ୍ତାକ ଅଲ୍ଲି, ବିପ୍ଳବ ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦିନେଶ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ସେତିକି ଜୋର ଧରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ନିଜ ସହ ସମର୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏକସଙ୍ଗେ 20 ଜଣ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ବେଶ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ପାତ୍ରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଞ୍ଜନା ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦଳ ଦଳ ମହିଳାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖା ହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ସହ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 2 ଥର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ 3ୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନମାନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ନିର୍ମାଣ ସହ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ, ପୁରାତନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାକୁ କଂକ୍ରିଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଶାଳ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅଞ୍ଜନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କଲେ, କହିଲେ କି ତୁମେ ଛଡ଼ା ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ଆଶା ଆଉ ଭରସା, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲି। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି କି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ମୁଁ ତ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି, ଲୋକମାନେ ତ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେବ ଆଉ। ତେବେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେ 2ଥର ଏଥର ପୁଣି 3ଥର ପୁଣି ୱିନ୍ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଯାହାକି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ, ଏବେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା 95 ଜଣ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ସବୁକିଛି ସେ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥର ଭୋଟ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜନା ଦାସର ପ୍ରଚାର ଭାରି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭୋଟ ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ପାତ୍ରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଞ୍ଜନା ଦାସ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ 2-2 ଥର ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 10 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକ ପୁଣି 3ୟ ଥର ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିକାକାର ଜଗତଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ସ୍ଥାନୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିକାକାର ଜଗତଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ
आयोजित कार्यक्रम में प्रताप चंद्र राय सभापतित्व करते डॉक्टर भागवत प्रसाद दास निरंजन साहू डॉक्टर शिरीश चंद्र जेना प्रमुख एथिरे अतिथि वक्ता भाव जोगदे जगद्गुरु श्रीधर स्वामी बहुविध प्रतिभा और तांको द्वारा रचित काव्यवली संपर्क में विस्तृत आलोचना करते समग्र भारतवर्षर जनमानस को आध्यात्मिक दिग्दर्शन दे आसीथिबा ए महापुरुष रेमुणारे जन्म नहीं एही माटी को धन्य करि पारिछन्ति बोली वक्ता माने कहिथिले तेबे तांकर उचित मूल्यायन सह तांको द्वारा रचित उपादेय आध्यात्मिक शास्त्र प्रचार प्रसार दिगरे सबु महलर प्रयास करिबा उचित बोली से माने मत देथिले। विश्व प्रसिद्ध टीकाकार जगद्गुरु श्रीधर स्वामीकर जयंती पदपद्मे मोर व्यक्तिगत प्रणाम। श्रीधर स्वामी केवल आज रेमुणा बालेश्वर नुहति खाली भारत नुहति समग्र पृथ्वी आज से प्रसिद्धि लाभ कर जड़े अम्लान प्रतिभा। श्रीधर स्वामी जन्म जो मयूर ग्राम से अनुष्ठित होता आज मयूर ग्राम जन्मलाभ करते जो चतुर्दश शताब्दी प्रथम भागर आज पवित्र माघ सप्तमी जे कि 26 टी आर्टिकल प्रबंध गवेषणात्मक प्रबंध लिखिंट श्रीधर स्वामी सब कहते श्रीधर स्वामी केवल पंडित नुहति टीकाकार नुहति से जगद्गुरु तांकर अनेक तथ्य रही अन्यमानंक भावग्राही महंती रमणी रंजन दास हरमोहन मल्लिक कमलाकांत दास विनय कुमार महंती विजय दास अधिकारी प्रमुख एथिरे उपस्थित थिले। एही अवसर रे दिवंगत भारतरत्न संगीत साम्राज्ञी लता मंगेशकर और बालेश्वर समाजसेवी विश्वनाथ राणा उद्देश्य श्रद्धांजलि ज्ञापन कर एही कार्यक्रम में श्रमिक नेता गौरांग पाणिग्राही प्रारंभिक सूचना प्रदान करथिबा बेले सीताराम प्रधान शेषे समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। सहरर बहु विशिष्ट व्यक्ति एथिरे उपस्थित थिले। खबर शेष करिया पूर्वरु बड़ खबर पुणी थरे फाइलेरिया निराकरण पाई राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग स्वतंत्र अभियान आसंता 10-19 तारीख पर्यंत बालेश्वर जिले में समस्ते करिबे औषध सेवन। गरीब असहाय दि न्यू होप पक्षरु बालेश्वर सहर रे खोलिला द्वितीय मागणा वस्त्र भंडार संगठन एतादृश कार्य को अतिथि भूयसी प्रशंसा। पात्रपड़ा पंचायत रे सरपंच प्रार्थिनी अंजना दास जमुची प्रचार निर्वाचन जी पाखे आसूची से बढ़ुची समर्थन। पालित है विश्व प्रसिद्ध टीकाकार जगद्गुरु पंडित श्रीधर स्वामी जयंती समारोह श्रीधर स्वामी रचित उपादेय आध्यात्मिक शास्त्र प्रचार प्रसार दिगरे सबु महलर प्रयास। माधव टेलीविजन न्यूज टाइम रे आज पाई एतिकी रहुची नमस्कार।